छत्तीसगढ़ राज्य शासन की योजना के तहत नवंबर से शुरू हुई समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य के अंतर्गत बालोद जिले में 1,42,859 किसानों ने धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया है, जिनसे 4,04,053 मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई और अब तक का 58% धान का उठाव भी किया जा चुका है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर जिले में धान खरीदी के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी धान उपार्जन केंद्रों में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है, जिसके बाद जिले में निर्विघ्न रूप से धान खरीदी और उठाव कार्य जारी है। इसके साथ ही कलेक्टर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और विभागीय तथा नोडल अधिकारी के द्वारा समय समय पर धान खरीदी केंद्रों का सतत निरीक्षण भी किया जा रहा है। इस साल माननीय कलेक्टर साहब एवं हमारे मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार किसानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की सुविधा दी जा रही है। अभी तक खरीदी में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है और बालोद जिला खासकर हमारे कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार पहली बार मतलब इतना जल्दी उठा हो रहा है। वर्तमान में हम 25,744 क्विंटल खरीदी हो चुकी है, जिसमें से 10,000 क्विंटल का उठाव हो चुका है। धान खरीदी की योजना है, उसको अच्छी तरीके संचालित समिति द्वारा किया जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट की है, वर्मी कंपोस्ट गौठान के माध्यम से समिति में भंडारित करके उठाया जा रहा है, किसानों को दिया जा रहा है। उसी प्रकार एक ऋण माफी योजना है, जिसमें 2018 में छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जो किसानों का ऋण माफी किया गया था और 0% ब्याज पर किसानों को प्रति वर्ष ऋण उपलब्ध कराती है समिति के माध्यम से, जिसमें किसानों किसी प्रकार के ब्याज नहीं लगती है।